टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को आप लोगों ने देश के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के 70वें सीजन में देखा था। अंकिता लोखंडे ने इस रियलिटी शो में खूब लाइमलाइट बटोरी, कभी अपने पति विकी जैन के साथ अपने रिश्ते को लेकर, तो कभी बाकी घर वालों से झगड़े को लेकर। वेल, इन सब के बाद अब मणिकर्णिका एक्ट्रेस ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। खुलासा एक साउथ फिल्म प्रोड्यूसर को लेकर। जी हां, अंकिता लोखंडे ने बताया कि उन्होंने कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस किया, वो भी बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर के साथ नहीं बल्कि साउथ फिल्म प्रोड्यूसर के साथ। एक लीडिंग मीडिया हाउस को अंकिता ने हाल ही में इंटरव्यू दिया, जहां अंकिता ने अपनी बिग बॉस 17 की जर्नी के बारे में तो बताया ही, लेकिन इसके साथ साथ कई बड़े खुलासे कर दिए। अंकिता ने बताया कि उन्हें अपनी जिंदगी में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। अंकिता ने कहा, हाँ मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरे लिए वो बहुत घिनौना था और एक बार नहीं, मैंने ये कई बार झेला। अंकिता ने कहा कि मैं साउथ फिल्म का ऑडिशन देने गई थी, मुझे कॉल आया कि आप साइन करने आ जाओ, मैं बहुत खुश थी, तो मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ मैं साइन करके आती हूँ। मुझे भी डाउट था कि इतनी आसानी से फिल्म कैसे मिली। अंकिता ने कहा कि जब मैं साइन करने गई तो सिर्फ मुझे अंदर बुलाया और मेरे कोऑर्डिनेटर को रुकने को कहा, मुझे बोला गया यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। अंकिता ने कहा, मैं उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी, तब मेरा हीरोइन बनना है ये वाला फेज चल रहा था, लेकिन मैंने उस वक्त स्मार्टली इस चीज को हैंडल किया। मुझे कहा गया आपको प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा, मैंने पलटकर जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि आपके प्रोड्यूसर को टैलेंट की जरूरत है, उन्हें सिर्फ साथ सोने के लिए एक लड़की चाहिए और मैं वो लड़की नहीं हूँ, ये कहकर मैं वहां से चली गई। जी हाँ, अंकिता लोखंडे को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। वेल, अक्सर लोग तुलना करते हैं कि बॉलीवुड बेहतर है या साउथ इंडस्ट्री, लेकिन असलियत तो ये है कि गंदगी हर जगह है, आपको खुद को बस इस गंदगी से बचाकर चलना पड़ता है, ठीक वैसे जैसे अंकिता लोखंडे ने किया। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।